हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ साथ ही साथ कि आप लोगों ने जो पिछला चैप्टर है हमारा वर्ब जो सीरीज चल रहा था वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अगर आपने वर्ब अच्छे से पढ़ा है तो आपको बता दूं कि आज जो है वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो स्टार्ट होने वाला है, एंड दैट इज टेल्स। जी हाँ, ये चैप्टर सुनते ही बहुत सारे बच्चे जो है वो घबरा जाते हैं, बोलते हैं अरे यार बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत टफ चैप्टर है एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऐसे ऐसे थाउट जो है वो मन में बच्चों के आने लगता है। बट आई प्रॉमिस टू यू कि अगर आपने हमारा पूरा वीडियो देख लिया तो आपको एक भी जो है वो डाउट नहीं रह जाएगा टेंस को लेकर के। बस हाँ, लेकिन आपको एक काम करना होगा कि आपको पूरा सीरीज देखना होगा टेंस का। अच्छा, तो अब वेट किस बात का, चलो स्टार्ट करते हैं टेंस। देखो, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज यूज टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस अगर आपको समझाऊं तो टेंस वो चीजें होती हैं, टेंस जो है वो उसे कहते हैं जो हमको किसी भी काम का समय बताता है कि कौन से समय पे हुआ है, और दूसरी चीज कि कितना हुआ है। आई एम रिपीटिंग इट कि टेंस जो है वो हमें बताता है कि कोई काम कितना हुआ है और कौन से समय पे हुआ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द टेंस हमें टेंस क्या बताता है, दो चीजें, एक टाइम और दूसरा वर्क। यही दो चीजें बताते हैं, राइट, कि जो है वो टाइम मतलब कौन से टाइम पे हुआ है और वर्क जो है वो कितना हुआ है, मतलब आधा हुआ है पूरा हुआ है। ये खैर, उसके बाद हम देखते हैं टाइम जो होता है ना, वो टाइम हर कोई जानता है कि टाइम जो होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, सॉरी टाइम, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, जो काम अभी चल रहा है, अभी हो रहा है या अभी होता है ये का। फिर उसके बाद पास्ट, पास्ट मतलब जो काम हो चुका है, अब 1 मिनट पहले भी जो काम हो गया वो भी पास्ट हो गया, है ना, 1 सेकेंड पहले भी जो काम हो गया वो पास्ट हो गया। तो पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, और तीसरा जो टाइप ऑफ टाइम होता है वो होता है फ्यूचर, मतलब जो काम आने वाला है या जो काम होने वाला है। तो ये हर कोई जानता है कि तीन टाइप्स के जो होते हैं वो टेंस टाइम होता है ना। तो टाइम, ठीक है बच्चों, तो टाइम तीन टाइप का होता है, ये आपको पता हो गया। वर्क, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्क जो होते हैं वो देखो कैसे होते हैं। वर्क जो है, अभी हमारे पास दो टाइप्स के वर्क है, एक कंटिन्यूअस मतलब जो काम अभी चल रहा है, ठीक है, लाइक इनकम्प्लीट है काम। जैसे कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो ये जो है मैं अभी पढ़ाने का काम कर रहा हूं, मेरा काम अभी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरा जो टाइप ऑफ वर्क होता है वो होता है परफेक्ट या कंप्लीट, जिसको हम कहते हैं, मतलब ऐसे टाइप ऑफ वर्क जो हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको वर्ब पढ़ा चुका हूं, ठीक है, मैं आपको सेंटेंस पढ़ा चुका हूं, तो ये काम जो है वो मेरा हमारा कंप्लीट हो गया है, राइट। तो ऐसा काम जो अभी इनकम्प्लीट है, दूसरा टाइप ऑफ वर्क वो काम जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इन दो टाइप के वर्क के अकॉर्डिंग हम दो टाइप्स के और वर्क बना सकते हैं, कैसे वो देखो। एक टाइप ऑफ वर्क वो बन सकता है जो हमें वर्क का मतलब पता ही ना चले कि वर्क जो है वो कंप्लीट हुआ है या इनकम्प्लीट है, ऐसा। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे, तो हाँ मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो इससे आप नहीं समझ पाओगे कि मैं ये मेरा काम ये चालू है या कंप्लीट हो गया है, राइट। जैसे कि मैं आपको कहूं कि मैं खेलता हूं, तो इससे भी आपको कंप्लीट, आपको पता नहीं चल रहा, क्लियर नहीं हो रहा कि ये काम मेरा अभी चल रहा है या ये काम मेरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो ऐसे टाइप ऑफ वर्क जिससे हमको टाइम का पता, मतलब वर्क का पता ही ना चले कि कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, वैसे टाइप ऑफ वर्क हम लोग कहते हैं इनडेफिनिट। एक और टाइप का टेंस हम, सॉरी, वर्क बना सकते हैं, और वो कैसा होगा, मतलब ऐसा वर्क जो कंप्लीट भी हो गया है और अभी चल भी रहा है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है कि काम जो है वो कंप्लीट भी हो चुका है और अभी चल भी रहा है, तो हाँ ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अगर दूं कि वो 2 घंटों से खेल रहा है, वो सुबह से नाच रही है, तो ये जो हमारा काम है ना, एक काम जो है हमारे 2 घंटे पहले स्टार्ट हो चुका था, तो ये हमारा कंप्लीट काम हो चुका था, अब वो अभी तक काम जो है वो जारी भी है। तो ऐसे टेंसेस को, मतलब जो काम हमारा कंप्लीट हो भी चुका है और मतलब जारी भी है, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम में हमारा काम वो स्टार्ट हो चुका था और अभी तक जारी है, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये चार टाइप के वर्क हमको मिलते हैं, क्लियर हो गया। पहला टाइप ऑफ वर्क वो होता है जो काम अभी तक इनकम्प्लीट है, लाइक अभी काम हुआ ही नहीं, काम चल रहा है अभी हमारा। दूसरा टाइप ऑफ वर्क होगा कि जो काम हमारा कंप्लीट हो चुका है 100%, मतलब परफेक्ट हो चुका है, जैसे कि मैं आपको वर्क पढ़ा चुका हूं, मैंने आपको एग्जाम्पल देकर के समझा दूं। तीसरा वो हो सकता है कि जो काम, जिससे ऐसा काम जिससे हमको टाइम मतलब काम का पता ही नहीं चले कि काम जो है हमारा कंप्लीट हुआ है या इनकम्प्लीट है,
मतलब अभी काम पूरा हुआ भी है या नहीं हुआ हमको पता ही ना चल। और लास्ट टाइप ऑफ वर्क हो सकता है जो काम हमारा शुरू हो भी चुका था और अभी तक चल रहा है ना, मतलब काम हो भी चुका था और अभी तक चल ही रहा है, तो वैसे टाइप ऑफ टेंस को जो है हम लोग कहेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये टाइप ऑफ फोर टाइप ऑफ वर्क्स होते हैं और ये थ्री टाइप ऑफ टाइम होते हैं, ये आप लोगों को पता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम इन तीन टाइप के टाइम्स को इन चार टाइप के वर्क से जो है हम लोग कंबाइन करते हैं, तो इसको मिला करके टोटल हो जाते हैं 12। अब हम इन तीन को इन चार से जो है कंबाइन करेंगे तो 3 4 12। देखो अब जैसे कि अगर मैं कहूँ तो ये प्रेजेंट को हम इससे कंबाइन करेंगे तो प्रेजेंट इनडेफिनेट, ओके। अब प्रेजेंट को हम इससे कंबाइन करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट को हम इससे भी कंबाइन करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट, और फिर प्रेजेंट को हम इससे भी कंबाइन करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसी तरीके से हर टाइम को जो है हम हर चारों टाइप के जो है वो वर्क से कंबाइन करते हैं। फिर से मैं अगर एक और बताऊं तो पास्ट को भी अगर हम इसी तरीके से करते हैं, पास्ट को इंडेफिनिट से तो पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट को कंटिन्यूअस से सो पास्ट कंटिन्यूअस, और फिर इस पास्ट को परफेक्ट से सो इट विल बिकम पास्ट परफेक्ट, और इन लास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, ठीक है। तो ये भी चार टाइप्स का हो गया। अब इस फ्यूचर को भी हम इन्हीं चारों टाइप ऑफ वर्क से जो है हम लोग कंबाइन करते हैं। तो देखो फ्यूचर को सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट से, तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर को कंटिन्यूअस हो तो ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर को परफेक्ट से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फिर फ्यूचर को परफेक्ट से फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर को फिर लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन तीन टाइप के टाइम्स को हम इन चार टाइप के वर्क से जो है कंबाइन करते हैं तो हमारा टोटल जो हो जाता है टेंस 12 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, तीन टाइप के टाइम को जो है हम लोग चार टाइप के वर्क से कंबाइन करते हैं तो हमारा टोटल जो है वो 12 टाइप ऑफ टेंसेज हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं टेंस इज इक्वल टू, टेंस कैसे बन गया तो इसको टाइम मिला करके टाइम प्लस वर्क, तो इन दोनों को मिला करके जो है ना हमारा बनता है टेंस। तो अगर आपने अब यह स्टार्ट का आपने ये जो है वो समझ लिया है कि टेंस क्या होता है, तो अब आपको जो है वो टाइम पहचानने में दिक्कत नहीं होगा कि जो है वो काम कौन से टेंस का है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा।